कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा पटेरिया के विवादित बयान के बाद बवाल हो गया है, जहां दमोह जिला मुख्यालय पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का विरोध जताया गया। वहीं हटा में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक ने उनके बंगले के सामने पहुँच करके जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, पुतला दहन किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब नारेबाजी कर रहे थे, पुतला दहन कर रहे थे, उसी दौरान राजा पटेरिया स्वयं बंगले से बाहर निकले और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाय पर आने का ऑफर दिया। देखते हैं क्या कुछ हुआ राजा पटेरिया के बंगले के सामने, क्या कुछ प्रदर्शन हुआ, क्या कुछ कहा राजा पटेरिया ने इस दौरान, आपको सुनाते हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए आकिब खान की रिपोर्ट। मेरी तो वैचारिक लड़ाई है, मैं तो गांधी और गोडसे की विचारधारा पे लड़ाई चल रही है। मैं राजनीतिक विचारधारा का इश्क करता हूँ गांधी से और आजीवन करूंगा। गोडसे का खिलाफ था, कल भी था, आज भी हूँ, आजीवन रहूंगा। हटा तो ठीक है, भारत देश नहीं सह सकते नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आपको देश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं इनसे बात कर लूंगा ना, मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब आप लोग चाय आप लोग चाय पी के आइए, वेलकम। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के द्वारा मंडलम सेक्टर की बैठक में पवई में जो हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की हत्या के रूप में बयान दिया गया है, उसकी हम सभी कार्यकर्ता घोर निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता ही है भारत को कई टुकड़ों में बांट दिया है और उनके नेता राहुल गांधी भारत देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये सभी लोग हत्यारे हैं, इन लोगों ने कितनी हत्याएं की हैं ये सबको पता है और भारत देश में अब इनकी चलने वाली नहीं है। और ये मंडलम सेक्टर की जहां भी बैठकें हो रही हैं, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इनकी जांच हो। इनकी बैठकों में आतंकवादी भी शामिल होते हैं, इसलिए हम सभी ने उसकी निंदा करते हुए आज पुतला दहन किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जी के का पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया है। उसका मुख्य कारण ये है कि पवई विधानसभा में आदिवासी, दलित और मुस्लिमों को उकसाने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मोदी की हत्या कर दो, जबकि हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व के जन जन के नेता है। ये निंदनीय अपराध है और इन पर कठोर से कठोर कार्यवाही होना चाहिए, ऐसी मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया द्वारा उनकी हत्या के संबंध में बात की गई है। हमारी पार्टी, हमारा संगठन उसका नितांत विरोध करते हैं और शासन से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार जो अनर्गल बातें की जाती हैं, आपत्तिजनक शब्द की जाते हैं, उन पर संविधान के अनुसार कठोरतम कार्यवाही की जाए। आज अर्थी निकाली है, किसकी अर्थी निकाली है? ये पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की विरोध स्वरूप अर्थी हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा, संगठन द्वारा निकाली गई है। हम उनके कथन का विरोध करते हैं।